सलाम अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहां पे हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज, सुकास्ट कश्मीर एंड सुकास्ट जम्मू, सीयूईटी एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जितने भी यूजी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसका हम पार्ट सेकंड हम यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने चैप्टर सबसे पहले यहाँ पे पिक किया, उसका पार्ट सेकंड यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये इनमें से आपको हम पर चैप्टर हम यहाँ पे 200 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 200 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पार्ट टू ऑफ दिस सीरीज, दैट इज न्यूरल सिस्टम एंड न्यूरल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, द निजलस ग्रैन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन आर राइबोसोम, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज राइबोसोम। द निजलस ग्रैन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स डिफर फ्रॉम माइलिनेटेड इन दैट दे, यहाँ पे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एग्जॉन्स के जो की डिफरेंस बतानी है। ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर 1 आर मोर एक्साइटेबल, ऑप्शन 2 इज लैक नोड्स ऑफ रेनवियर, ऑप्शन 3 इज आर नॉट केपेबल ऑफ रिजनरेशन एंड ऑप्शन 4 इज आर नॉट सीन आर एसोसिएटेड विद शिवान सेल्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नॉन माइलिनेटेड एग्जॉन्स डिफर फ्रॉम माइलिनेटेड एग्जॉन्स एज दे लैक नोड ऑफ रेनवियर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, इफ माइलिन शीथ इज कंटिन्यूअस इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर देन व्हाट विल हैपन इन न्यूरोनल कंडीशन। यहां पे बताया जा रहा है अगर माइलिन शीथ कंटिन्यूअस होगा माइलिनेटेड नर्व फाइबर में देन क्या होगा न्यूरोनल कंडीशन में। ऑप्शंस आर वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, कंडक्शन इज स्लो, कंडक्शन इज स्टॉप्ड और नो इफेक्ट। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कंडक्शन इज स्टॉप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है, नर्व सेल्स डू नॉट पोजेस, नर्व सेल्स में क्या नहीं होता है इनमें से। ऑप्शन आर न्यूरोलेमा, सार्कोलेमा, डेंड्राइट्स और एग्जॉन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मसल सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, माइलिन शीथ कवर्स ऑफ द फॉलोइंग, माइलिन शीथ क्या कवर करता है। ऑप्शन आर मसल फाइबर, नर्व फाइबर, कोलेजन फाइबर और टेंडॉन्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट्स माइलिन शीथ कवर्स नर्व फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है, डेंड्राइट्स आर एसोसिएटेड विद विच सिस्टम, डेंड्राइट्स किस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन आर नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो इजी सा क्वेश्चन है, डेंड्राइट्स नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है, द ग्रे मैटर डिफर्स फ्रॉम व्हाइट मैटर इन द, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की डिफरेंस बतानी है। ऑप्शन आर एब्सेंस ऑफ एग्जॉन्स, एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ और एब्सेंस ऑफ न्यूरोलेमा। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट्स एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रे मैटर एंड द व्हाइट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 इज नर्व सेल पॉजेस डेंड्राइट्स, सार्कोलेमा, एग्जॉन और न्यूरोलेमा। आपको बताना है नर्व सेल क्या इनमें से पॉजेस करती है। ऑप्शन आर बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 इज ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 इज ए बी डी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ए बी सी डी। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट्स ए बी एंड डी, दैट इज डेंड्राइट्स भी यहाँ पे नर्व सेल में होते हैं, उसके बाद सार्कोलेमा यहाँ पे मसल सेल में होता है और उसके बाद एग्जॉन भी नर्व सेल में होता है और न्यूरोलेमा भी नर्व सेल में होता है। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दैट्स ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, द नर्वस सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टो एंड मेसोडर्म। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एक्टोडर्म से यहाँ पे डिराइव किया गया है, हो जाता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है, द नर्व सेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द प्रेजेंस ऑफ, नर्व सेल बाकी सेल्स ऑफ द बॉडी से कैसे डिस्टिंग्विश होती है, कौन से सेल, कौन से यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शंस में से यहाँ पे प्रेजेंस होती है इसमें नर्व सेल में। ऑप्शंस आर न्यूरोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोलेमा और न्यूराइट्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर
Oh, that is neuroids. Next question, question number 28. क्या पूछा गया है? Function of nervous tissue is. Options are irritability or excitability, sensitivity, elasticity or contraction. इसका जो right answer बनता है, that's option number 1. That is irritability and excitability. Next question. Question number 29. क्या पूछा गया है? Which of the following processes occur only in animals? कौन सी process यहाँ पे खाली animals में होती? Options are hormonal control, respiration, nervous control और न्यूट्रिशन. जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. दैट्स नर्वस कंट्रोल जो है वो खाली एनिमल्स में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस. बाकी हार्मोन कंट्रोल प्लांट्स में भी हो सकता है, रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होती है, न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी होती है, खाली नर्वस कंट्रोल एनिमल्स में, ऑनली एनिमल्स में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है? विच सेल इन आवर बॉडी इज मोर देन ए फीट लॉन्ग. कौन सी यहाँ पे सेल हमारी बॉडी में जो एक फीट से ज्यादा लंबी है, लॉन्ग है? ऑप्शन आर नर्व सेल, बोन सेल, मसल सेल और ग्लैंड सेल. इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स नर्व सेल इन आवर बॉडी इज मोर देन ए फीट लॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया है? विच सेल स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ. कौन सी सेल यहाँ पे बर्थ के बाद डिवाइड डिविजन उसका नहीं हो सकता है? ऑप्शन आर एपिथेलियल और एपिथेलियम, ग्लियल सेल्स, न्यूरॉन और लिवर. इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 4, दैट्स लिवर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2. इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर 2. यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइपिंग एरर आ चुका है तो आप खुद यहाँ पे देख लेना. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दैट्स न्यूरॉन सेल स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ. न्यूरॉन्स फिर बर्थ के बाद डिवाइड नहीं होते, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इन विच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट. कौन से एनिमल में नर्व सेल प्रेजेंट होती है बट ब्रेन एब्सेंट होता है? ऑप्शंस आर स्पॉन्ज, कॉकरोच, अर्थवर्म और हाइड्रा. इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हाइड्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया है? इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स ऑकर थ्रू. जो इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में होता है वो किस कैसे होता है? ऑप्शंस आर नर्वस सिस्टम ओनली, डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली, रेस्पिरेटरी सिस्टम ओनली और बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 4, दैट्स एंडोक्राइन एंड जो है नर्वस सिस्टम दोनों से यहाँ पे जो है इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस लीड्स टू द इनहिबिशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यहाँ पे आपको न्यूरो इनहिबिटरी हार्मोन्स आपको यहाँ पे बताने हैं और न्यूरो इनहिबिटरी सबस्टेंस इनमें से कौन कौन है, ठीक है. ऑप्शंस आर ग्लाइसिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा और बोथ 1 एंड 2. इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 4, दैट्स बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर. बोथ 1 एंड 2 आर द न्यूरो इनहिबिटर्स, दैट इज ग्लाइसिन. ग्लाइसिन भी न्यूरो इनहिबिटर है और गाबा गामा एमिनोब्यूटिरिक एसिड भी न्यूरो इनहिबिटर है, तो ये आप याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया है? माइलिन शीथ इज डिराइव्ड फ्रॉम. माइलिन शीथ किससे डिराइव होता है? ऑप्शंस आर एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स ऑप्शन बी इज नर्व सेल्स, ऑप्शन 3 इज श्वान सेल्स एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल ऑफ दीज. तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज श्वान सेल्स. माइलिन शीथ श्वान सेल्स से डिराइव होता है, ठीक है. श्वान सेल्स इज द राइट आंसर. लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है? साइनेप्टिक वेसिकल्स आर फाउंड इन. ऑप्शंस आर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और नन. इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और आपको ये भी बताना है इन क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, ठीक है, या कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो इन क्वेश्चन में से, ठीक है. और अगर आपको ये ज़रा से भी इंपॉर्टेंट या इन्फॉर्मेशनल इन्फॉर्मेटिव लग रही है ये सीरीज़, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉर PDFs ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.